गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो मैं आज जा रहा हूँ रेढ़ाखोल से भुवनेश्वर, लगभग 207 किलोमीटर। अभी 8 बजा है, तो जाते हैं। कितना टाइम लगता है आप लोगों को बताते हैं। ये नया गाड़ी है तो ज़्यादा नहीं भगाएंगे, वही 60-70 पे मेंटेन करेंगे, और फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुआ है तो देखते हैं जाएंगे। सुबह सुबह निकलते टाइम मेरा जीप टूट गया, ये जैसे देख पा रहे हैं वैसे टूट गया। तो ऐसे जीप ऐसे सेफ्टी पिन लगा के निकले थे, तो अभी मोची भैया दिखे तो उनसे अब काम करवा लेते हैं। तो जीप हो चुका है रेडी, और हम ऐसा कुछ बांध दिए हैं क्योंकि जब घर से आने टाइम थोड़ा हैवी लग रहा था जब ढोए थे। तो अभी हेलमेट उठाते हैं और बाइक स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आगे की सफ़र तय करने के लिए। तो ये हुआ हमारा बाइक स्टार्ट, लेट्स राइड। तो लो फ्यूल दिखा रहा है, आगे एक पेट्रोल पंप पड़ता है, डलवा लेंगे। ये रहा पेट्रोल पंप, चलते हैं और पेट्रोल डलवाते हैं, पेट्रोल फुल करवाते हैं, कितने का आता है देखते हैं। तो ये हो गया जी हमारा पेट्रोल टैंक फुल, और बिल जो आया है वो 1300 रुपया, और पेट्रोल डला है हमारा टैंक में 12.72 लीटर। टैंक तो फुल है फिर भी यहाँ तो हाफ दिखा रहा है। थोड़ा देर चलते हैं उसके बाद देखते हैं क्या दिक्कत है। थोड़ा देर चलने के बाद अभी देख सकते हैं, अभी फुल दिखा रहा है। आगे चलते हैं और देखते हैं कितना ख़त्म होता है। तो यहाँ पर थोड़ा रुके थे सुसु करने के लिए, तो पेशाब सब कर लिए। हम उधर से आए, वो संबलपुर और ये कटक रोड NH44 है, तो लगभग हम 80 किलोमीटर आसपास कवर कर चुके होंगे। यहाँ से अनुगुल 29 किलोमीटर है, तो जाते हैं। अभी अनुगुल बाईपास लेने का सोच रहे थे, बट मेरा गाड़ी सर्विस रिमाइंडर दिखा रहा है और पहला सर्विसिंग करवाना है 500 से 700 किलोमीटर के अंदर। तो हम सोच रहे हैं अनुगुल में जाके सर्विस करवा लेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। यहाँ से दिखा रहा है 41 किलोमीटर हम लोग का बाजार शोरूम, उसके बाद अभी चलते हैं सर्विस करवाने के लिए। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सर्विस रिमाइंडर दिखा रहा है ये वाला। फाइनली पहुंच गए बजाज सर्विस सेंटर, ये मेरे पीछे। तो इनसे बात करते हैं क्या टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, क्या खर्चा लगेगा, तो इनसे बात करते हैं उसके बाद बताते हैं आपको। तो यहाँ आए थे, इनसे बात हुआ, तो ये बोल रहे हैं शाम हो जाएगा, मतलब नंबरिंग सिस्टम होता है, तो मेरा नंबर जो है वो अभी लगाएंगे तो 21 हो, बहुत टाइम हो जाएगा। तो देखते हैं, और एक सर्विस सेंटर है शायद आगे, तो उनसे बात करते हैं हो पाएगा तो, नहीं तो चलेंगे वैसे ही घूमने से करवा लेंगे। 80 minutes later. और थोड़ी देर चलने के बाद अभी थोड़ा हमें मिला है शोरूम बजाज का ही, और थोड़ा तो उनसे बात की है तो वो बोले कि हो जाएगा, तो यहाँ पर करवाते लाइन में लगा हुआ है। तो फाइनली हम लोग का सर्विसिंग हो गया, इंजन ऑयल जितना कुछ चेंज होना था हो गया, करेंगे वॉशिंग, थोड़ा प्रॉब्लम है इनका बोल रहे थे, तो यहाँ पर वॉशिंग भी पेंडिंग मेंशन किए हैं जैसे देख पा रहे हैं। तो हम लोग का टोटल बिल हुआ 552, टोटल बिल 552। तो अभी चलते हैं, 1 बज गया। तो आते आते थोड़ा भूख भी लगने लगा है, तो सोचा थोड़ा खाना खा लेते हैं,
तो इधर एक मिला होटल, उसमें जाते हैं क्या क्या मिलता है देखते हैं, उसके बाद खाना वाना खाएंगे। उधर बाइक लगा दिए हैं तो इसको भी थोड़ा वॉश करवाना है, तो पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद देखेंगे। तो मैं ऑर्डर किया था चिकन मील, इसमें मिला है दाल और ये चिकन और ये मच्छी का अंडा और ये हम लोग का आलू भुजिया, आलू भरता, प्याज। वो खाना खाने टाइम मेरा फ़ोन डेड हो गया था, तो अभी बाइक पे चार्ज लगाए हैं तो अभी जा रहे हैं। जो होटल खाना खाए वहाँ से लगभग 80 किलोमीटर का रास्ता है, तो अभी लगभग 20 किलोमीटर आ चुके हैं। वहाँ पर खाना बोले तो उतना अच्छा नहीं था, जो खाना हम चिकन ऑर्डर किए थे चिकन में थोड़ा नमक कम था, उससे अच्छा तो वो मच्छी का अंडा लग रहा था। तो चिकन प्लेट पड़ा हमको 120 रुपये। तो अभी जाते हैं, कितना प्यारा प्यारा नज़ारा के साथ साथ। दोपहर का टाइम है तो बारिश आने जैसे बादल बना रहा है, तो जल्दी जाते हैं नहीं तो बारिश आएगा तो फंस जाएंगे। तो ये आते आते हम लोग को एक नदी मिला, ये शायद महानदी है, देख सकते हैं यहाँ से वो उतना दूर तक बहुत बड़ा है। अभी आते आते थोड़ा भीग गए थे, यहाँ पर बारिश हो रहा था तो थोड़ा रुके थे, बारिश हो रहा था तो भीग गए थोड़ा, अभी खड़ा हुआ था यहाँ पर के बाद अभी बारिश ख़त्म हो गया तो अभी चलते हैं आगे। यहाँ से 30 या 35 किलोमीटर दिखा रहा है, तो चलते हैं और कितना देर तक पहुँचते हैं बताते हैं आपको। तो आते टाइम जो आपको नदी दिखाए थे टर्निंग पे, तो वही वाला नदी है, ये महानदी है। तो वो उधर देख सकते हैं, उधर ट्रेन लाइन भी है, ट्रेन वाला ब्रिज। तो अभी चल रहे हैं, अभी थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी चल भी रहा है, तो इसको क्रॉस करते हैं और आगे चलते हैं। बारिश भी हो रहा है बीच बीच में, तो मेरे को रुक रुक के भी चलना पड़ रहा है, इसी चक्कर में लेट भी हो रहे हैं। ये वही वाला नदी है जो हम अभी जस्ट क्रॉस करके आए ब्रिज से, और ये भी एक बीच है इस पार से उस पार जाने के लिए। तो हम लोग उधर नहीं जाएंगे, हम लोग का रास्ता इसी तरफ से जाता है, तो यही नदी किनारे किनारे आगे चलते हैं। वहाँ से निकलने के बाद बहुत ज़्यादा बारिश हुआ तो और कुछ शूट नहीं कर पाए, तो थैंक यू इतना तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स।